एवरीवन, आज हम बनाएंगे बनाना चिप्स। ओके, सो इसके लिए हमें चाहिए कुछ कच्चे केले, जो ये मैं 1 किलो केला लेके आई थी। हमें इस केले को छीलना है और इसको पतला पतला काटना है। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए, मैंने एक करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको ज़्यादा बोरियत ना हो, आप जल्दी से इसे देख के और जल्दी से ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये नाइफ़ की हेल्प से, क्योंकि मेरे पास जहाँ मैं रह रही हूँ अभी, मेरे पास यहाँ पे उसको काटने के लिए, छीलने के लिए वो पीलर नहीं था स्पेशली जो बनाना के लिए आता है, तो मैंने इसकी नाइफ़ की हेल्प से हम इजीली इसको छील सकते हैं और काट सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसका ये पतला पतला छिलका हम निकालना है, और ये निकालने के बाद इसके ऐसे पतले पतले पीसेस हमको काटने हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो पानी है, ये है सॉल्ट वाटर। मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाला हुआ था और इसमें 1 स्पून नमक डाला हुआ था, ताकि ये जो है केला, ये काला ना पड़े। और इसको इसमें भिगोने के बाद हम ऐसा कंटिन्यू बाकी केलों के साथ भी करते जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इन केलों को जो मैंने भिगोए हुए थे पहले से, इनको निकालना है और इनको थोड़ा सा ड्राई करने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने इसको एक ये नेट वाला जाली है, इसमें कपड़ा लगा के रखा हुआ है। इस कपड़े वाली जाली में मैं इन बनानास को थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी, ताकि इनका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए, और कढ़ाई में डालते साथ ही एकदम से आवाज़ ना करें। तो ये इस तरीके से मैंने इनको निकाल दिया है, और ये वेट करती हूँ मैं अब इनको, थोड़ा सा हल्का सा इनका पानी कम हो जाए उसके लिए। ये देखिए, मैं एक आपके लिए ये करके बता रही हूँ कैसे मैंने इसको पील किया है। वैसे आप चाहें तो जो हमारा आलू छीलने वाला छीलने होता है उससे भी हो सकता है, बट उससे थोड़ा सा टाइम लगता है। इससे करेंगे तो ये इजीली और जल्दी हो जाएगा। इसके ऐसे ऐसे हल्के हल्के से हमें ये छिलके निकालते जाना है। ये देखिए, ये इस तरीके से ये ऐसे सारे छिलके उतर जाएंगे। ये देखिए, ये निकलता जा रहा है छिलका। ये ऐसे छिलका उतर गया है इसका। अब हम क्या करेंगे, इसके ये पतले पतले पीसेस, यही जो हमारा सॉल्ट वाटर था, इसमें हमें ये पतले पतले पीसेस इसके करके डालने हैं इस तरीके से। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। सो अब जब हम ये कर देंगे, इसके बाद हमें इसको फ्राई करना है। इसके लिए मैंने फ्राई करने के लिए, ये देखिए, फ्राई करने के लिए मैंने ये कढ़ाई पहले से गैस पर रख के रखा है, और ताकि हमारा जो ऑयल है वो प्रॉपरली हीट हो जाए। तो ये ऑयल जैसे ही हीट हो जाएगा, हम इसमें चिप्स को डालना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये ऑयल आई गैस हीट हो चुका है। ये देखिए, हमने सारे बनाना चिप्स जो हमें बनाने थे, ये हमने उनको ऑलरेडी कट करके और सॉल्ट वाटर से निकाल के रखा हुआ था, ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और ये ऑलमोस्ट अब ड्राई हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी लेके हमें अपने हीटेड ऑयल में डालना है इस तरीके से। ये हम डालते जाएंगे, देखिए बनाना जो होता है वो नेचर में गीला ही होता है, तो वो थोड़ा सा तो आवाज़ करेगा, तो केयरफुली, ताकि ये आपके ऊपर तेल ना आए, हम इसको धीरे 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 डाल देंगे। आई थिंक दिस मच इज इनफ, इससे ज़्यादा डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, वरना वो आपस में चिपकेंगे। तो इस तरीके से हम इन्हें थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे, ताकि आपस में चिपके ना। ओके, इसके लिए जो गैस की फ्लेम होगी वो हमें एकदम धीमी आंच पे रखना है, हमें इसको ज़्यादा तेज नहीं पकाना है, वरना क्या होगा कि ये जल्दी से ब्राउन तो हो जाएंगे, बट वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में हमें उतने क्रिस्पी नहीं लगेंगे। इसलिए देखिए, मैं इनको एकदम धीमी आंच पे, हल्के हल्की आंच पे पका रही हूँ, ताकि धीरे धीरे, इसको अब पकने में 5 मिनट तो लगेगा कम से कम, तब तक के लिए हम अपने बाकी बनानास को देखते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये गोल्डन हो चुके हैं ना, तो हमें बस यही जो इनका प्रॉपर कलर है, यही एक प्रॉपर कलर मानते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लाइट कलर में निकालेंगे, ये आपके ऊपर है खैर, बट वो क्या होगा, हल्का सा सॉफ्ट रहेगा। आप जितना ज़्यादा इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे, आपको उतना ही क्रिस्पी लगेगा। इसके लिए मैंने देखिए एक टिश्यू निकाल के रखा हुआ है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा एब्जॉर्ब कर लें। तो मैं ऐसे ही करके सारे चिप्स कर लूँगी।
धीरे धीरे करके, जितना भी हमने एक्स्ट्रा बना के रखा है इनका ऑयल प्रॉपरली निकाल के, और ये हम इसको टिश्यू पर डाल देंगे इस तरीके से। ये हमारे सारे बनाना चिप्स कुक हो चुके हैं। अब हम इसको जितने भी रिमेनिंग है सबको इस बोल में मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब देखिए ये सारे आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बना हुआ है, आपको शायद आवाज़ भी आए। तो इस तरीके से हमारे सारे बनाना चिप्स रेडी हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि जब ये ठंडे हो जाए, हमें गर्म में इनमें कुछ भी नहीं डालना है। अब इसका मेन पार्ट है जो कि इसमें मसाले ऐड करना। एंड आई स्वेयर यू, इफ़ मतलब आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे और ये सारे मसाले डालेंगे, यू आर गोइंग टू लव दीज बनाना चिप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम हैविंग इज, दिस इज़ ब्लैक सॉल्ट, दिस इज चाट मसाला एंड दिस इज ब्लैक पेपर, ओके, एंड हियर दिस इज रेड चिली पाउडर एंड हियर इट इज़ गरम मसाला एंड हियर इट इज़ सांभर मसाला। सो व्हाट वी नीड टू डू, अब हम इन सारी चीज़ों को इसमें स्प्रिंकल करेंगे, उसके बाद इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे, उसके बाद आप खाइएगा, फिर देखिए। सो सबसे पहले मैं क्या डाल रही हूँ इसमें, सांभर मसाला। तो सांभर मसाला को हम ऐसे ऑन एन एवरेज इट इज़ लाइक 1 टीस्पून, सो हमने इसमें 1 टीस्पून सांभर मसाला डाला हुआ है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलमोस्ट स्मॉल 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इसको मैं स्प्रेड कर दूंगी पूरे में। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ओके। सो हम ये 2-3 चीज़ें डाल चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्प्रिंकल सम ब्लैक पेपर, ओके, दिस मच इज इनफ। और अब ये है हमारा चाट मसाला, तो अब हम इस चाट मसाला को स्प्रिंकल करेंगे। देखिए ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना डालना चाहते हैं एट लास्ट। और हम ऑलरेडी सॉल्ट इसमें ऐड कर चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने इसको सॉल्टी वाटर में डाला हुआ था, तो अब हम थोड़ा कम सॉल्ट डालेंगे, इट इज़ ब्लैक सॉल्ट, सो इट इज़ ऑल्सो यू कैन ऐड दिस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, दिस मच इज इनफ आई गेस। इसको इस तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं, मिक्स इट वेल। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो सारे जो मसाले हैं वो इसमें प्रॉपरली चिपक गए हैं और आपको प्रॉपर टेस्ट आने वाला है। सो दीज बनाना चिप्स आर ऑलमोस्ट रेडी नाउ। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप कितने क्रिस्पी हैं, जस्ट इट इज़ रेडी टू सर्व। व्हाट यू नीड टू डू, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से अपने मसाले ऐड करिए, और अब आपके लिए ये टेस्टी बनाना चिप्स रेडी हैं। बाय बाय।